हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ इलिसे लेजा पोड़ा यानी हिलसा मच्छी का तेल रोस्ट। तो पहले हिलसा मच्छी का तेल को अच्छे से क्लीन करके रखी हूँ। अभी इसे एक मैरिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, एक बाउल में दे रही हूँ हल्दी, रेड चिल्ली और सॉल्ट, और साथ में दे रही हूँ 5 से 7 गार्लिक क्लोव और ग्रीन चिल्ली, 4 से 5 ग्रीन चिल्ली को ऐसे करके कट करके दे रही हूँ। और साथ में दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून। अभी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी देखिए, लेजा को अच्छे से अभी जो मैरिनेशन बनाया उसका साथ सब अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। देखिए, फिश के ऊपर मसाला अच्छे तरह से लग चुकी है। फिश टेल के ऊपर जो कट लगी हुई है उसके अंदर एक एक करके ग्रीन चिल्ली कट और लहसुन का जो कलिया एक एक उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ऐसे करके तीनों पीस के अंदर एक लहसुन का कलिया, एक ग्रीन चिल्ली, ऐसे करके देते जाऊंगे। फिश स्टिल पूरा मैरिनेशन हो चुकी है। अभी इसे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी। अभी एक फ्राइंग पैन के अंदर दे रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अच्छे तरह से गर्म होने के बाद उसके अंदर दे रही हूँ 4 से 5 कटी हुई गार्लिक उसी का साथ ही दे रही हूँ एक बड़ा वाला चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को अभी हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए, अनियन हल्का सा फ्राई हो चुकी है। अभी अनियन को फ्राइंग पैन का चारों साइड फैला दूंगी, एक बेड जैसा बना दूंगी। उसका ऊपर दे रही हूँ जो पहले से मैरिनेट किया हुआ फिश स्टेल है, एक एक करके वो भी दे रही हूँ। अभी बहुत ही हल्का हाथों से फिश को हैंडल करना पड़ेगा। स्लोली फिश को टर्न करके दूसरा साइड भी फ्राई कर लूंगी। दोनों साइड से फिश फ्राई हो चुकी है। अभी एक प्लेट में फिश को शिफ्ट कर रही हूँ। तेल रोस्ट है, रोस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, गैस स्टोव गंदा ना हो इसीलिए नीचे एल्युमिनियम फॉइल बिछा के ऊपर से रिंग दे के रिंग के ऊपर फिश स्टेल दे रही हूँ। दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट करके एक स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फिश का बहुत सारा इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप चेक कर सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी। तो देखिए, फिश रोस्ट हो चुकी है। अभी इसे साइड में रख रही हूँ। फिर से एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करके उसका साथ दे रही हूँ 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 कटी हुई ग्रीन चिल्ली और 3 टेबलस्पून अनियन पेस्ट। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, हल्का सा फ्राई करने के बाद उसी के अंदर दे रही हूँ जो फिश मैरिनेट करके अनियन बेट बनाई थी, जिसमें मैं फिश फ्राई की हूँ, वो मसाला जो अनियन बेट जो बोल रही थी वो मसाला को अभी इसी के अंदर दे रही हूँ। अभी इसे मिक्स करके फिर से फ्राई करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जाएगा भाई बहन यानी स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून शुगर। फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी इसके अंदर दे रही हूँ 1 टेबलस्पून खसखस की पेस्ट और 1 टेबलस्पून सरसों की पेस्ट। थोड़ा सा गर्म पानी देके फिर से मसाला को और एक बार फ्राई करूंगी।
देखिए मसाला एकदम रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अभी सर्व करती हूँ। पहले एक प्लेट में फिश दे रही हूँ, उसका ऊपर से दे रही हूँ, अभी जो मसाला रेडी किया ऊपर से ये मसाला दे रही हूँ। मेरी रेसिपी अगर अच्छे लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इसे ग्रीन और रेड चिल्ली से डेकोरेशन कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।